पुरी स्थित स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में स्वर्ण महोत्सव वर्ष का शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ। इससे पूर्व हॉस्पिटल के प्रांगण में हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र का लोकार्पण सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप गुप्ता, उपाध्यक्ष पराग सराफी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अच्छी सेवा देने की तमाम बातों के बाद भी अगर अपनापन नहीं है, शिव भावे जीव सेवा का भाव नहीं है तो नहीं चलेगा। असल में सेवा करने वाला व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि उसे सेवा का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल का पिछले 50 वर्षों का इतिहास ऐसे ही सेवा भावी गाथा का प्रतीक है। अब यहाँ 250 बेडों का नया हॉस्पिटल स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। यह संकल्प भी पूरा होना चाहिए, यह आनंद का अवसर है। उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर दिलीप गुप्ता जी, मित्रवर पराग सराफ जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगी, यहाँ पर काम कैसे प्रारंभ हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका इतिहास आपके सामने बताया गया है और आप में से अनेक लोगों को की भी स्मृति यहाँ पिछले 50 वर्षों की इस स्थान से जुड़ी हुई, उससे जागृत हुई होगी। ये काम चला है और नया संकल्प भी आज व्यक्त हुआ है, वो भी पूरा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ये आगे देखना पड़ेगा। आनंद का अवसर ये है कि 50 वर्ष पूरे किए। कहती ही है मेन मनी एंड एम्यूनिशन, तो मनी और एम्यूनिशन के बिना काम होता नहीं, परंतु मनी और एम्यूनिशन किनके पास आता है जो उसका उपयोग ठीक से करते हैं। अब ठीक से उपयोग करना इसका अर्थ क्या है, तो पहली बात तो डॉक्टर साहब ने कही कि शिव भावे जीव सेवा, ये सेवा का प्रकार हमको देना है। सेवा का प्रकार इसको इसलिए कहा गया होगा कि अन्य भी प्रकार दिखते हैं, लेकिन जिसको हम लोग अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में सेवा कहते हैं, वह इसी प्रकार की होती है, इसका दूसरा कोई प्रकार होता नहीं। भागवत ने कहा कि अस्पताल ने जो उत्तम सेवा देने का कार्य किया है वह आगे भी बना रहना चाहिए। खुद को भूखा रहना पड़ जाए लेकिन किसी के आगे हाथ न फैलाएं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काफी संघर्ष और अभावपूर्ण स्थिति में भी स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल का सेवा भाव कम नहीं हुआ। आज एक बड़ा अस्पताल यहाँ खड़ा है जहाँ से निरंतर गरीबों सामान्य लोगों की सेवा हो रही है, यह बहुत प्रेरणादायी है। फडणवीस ने कहा कि मूल रूप से संघ के विचार सामान्य व्यक्तियों से असामान्य कार्य करवा लेता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धति बहुत आगे बढ़ चुकी है लेकिन गरीबों के लिए उसे पाना हमेशा बड़ी चुनौती बनी रही है। ऐसे में इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आती हैं जो लाभ से परे उठकर सेवा करती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के 250 बेड के अस्पताल स्थापित करने के संकल्प में वे साथ खड़े हैं, इसके लिए हर संभव मदद करेंगे। यहाँ पर शिविर के लिए आते थे उस समय पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर जाते थे और ट्रेन में बैठकर हम यहाँ पर आते थे। उस समय ये दूसरा गांव लगता था, गांव तो था ही लेकिन नागपुर से दूसरे गांव जा रहे हैं इस प्रकार का भाव लगता था, बीच में कुछ था नहीं। आज तो हम लोग शहर कब समाप्त होता है, खापरी कब लगता है, ये ध्यान में नहीं आता, एक प्रकार से शहर का भाग वो हुआ है। लेकिन उस समय जब यहाँ पर खापरी गांव और आसपास के गांव ये पूरे गांव के स्वरूप में हुआ करते थे, आज भी स्वरूप गांव का है लेकिन पूर्ण गांव का स्वरूप था, ऐसे समय यहाँ पर परम पूजनीय
बाला साहेब देवरस जी, इनकी प्रेरणा से इस कार्य की शुरुआत हुई। और नाना साहेब जी ने जिस प्रकार से एक टीम को तैयार किया और धीरे धीरे करके इसको खड़ा किया, और उसके बाद का जो सारा इतिहास डॉक्टर गुप्ता जी ने हमारे सामने रखा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही प्रेरणादायी है। मूल रूप से हमारा जो संघ का विचार है उसमें ये ताकत है कि ये विचार सामान्य व्यक्तियों से असामान्य कार्य करवा लेता है। और आप कोई भी कार्य देखिए, अभाव से खड़ा हुआ सामान्य व्यक्तियों ने अपने पौरुष के दम पर, अपनी जिजीविषा के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सारे संघर्षों को पार करते हुए कई संस्थाएं खड़ी की, और उन्हीं में से एक ये संस्था आज यहाँ पर खड़ी है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो हमारा ग्रामीण का भाग है, यहाँ के लोगों की जो सेवा विवेकानंद मेडिकल मिशन ने की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार से किसी भी आह्वान के काल में हमारे सारे स्वयंसेवक केवल यहाँ नहीं तो देश के अलग अलग भागों में भी जब भी कोई आपत्ति आई तो वहाँ पर भी विवेकानंद मेडिकल मिशन के हमारे सारे डॉक्टर, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता ये पहुँचे और वहाँ पर भी सेवा करने का काम यहाँ के माध्यम से हुआ है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।